वेलकम टू कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके। आज है 16 मार्च 2020 और 16 मार्च 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे ये किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 15 मार्च को। और इसका जो इस साल का जो थीम था वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। इसका जो 2020 का अभी 15 मार्च 2020 का जो थीम था वो था द सस्टेनेबल कंज्यूमर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य बना है? तो दोस्तों वह बना है हरियाणा। यहां बात हुई हरियाणा की, तो हरियाणा कैपिटल क्या है? वह है चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं वह हैं मनोहर लाल खट्टर, यानी ML खट्टर। और वर्तमान में गवर्नर है हरियाणा के वो हैं सत्यदेव नारायण आर्या। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत के किस शहर के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेस को अलग किया है? तो वो किया है पुणे के वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के स्ट्रेस को अलग किया है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान शुरू किया है? तो वो किया है कर्नाटक सरकार ने। तो यहाँ बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? वो है बेंगलुरु। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं वो हैं BS येदुरप्पू। और यह वर्तमान में जो गवर्नर है कर्नाटक की वो है वज्जू भाई बाला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में लगभग 990 साल पुराने दुनिया के सबसे छोटे डायनासोर का अवशेष खोजे गए हैं? तो दोस्तों वे खोजे गए हैं म्यांमार में। यहां बात हुई थी म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नाइपिडो। जो प्रेसिडेंट है म्यांमार के वर्तमान में वो है विन मिंट। और उसकी करेंसी है वो है बर्मिस कयाट। बर्मिस कयाट है वो इसकी करेंसी है म्यांमार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो किया है WEF ने। तो ये WEF की फुल फॉर्म क्या है? वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। WEF की स्थापना 1971 में हुई थी। WEF का हेडक्वार्टर है वह स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट सवाल हमारा, हाल ही में किस बैंक ने यस बैंक में 300 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो वो की है बंधन बैंक ने। इसका सही आंसर है बंधन बैंक। यहां बात हुई है बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक की स्थापना 2015 में हुई थी। बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में है। बंधन बैंक के वर्तमान में चेयरमैन है डॉक्टर अनुप कुमार सिन्हा। और वर्तमान में MD एंड CEO हैं चंद्रशेखर घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में खेलों में 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में कौन शीर्ष पर रही है? तो मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी है जो 10 सबसे प्रभावशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष पर रही हैं। मुंबई इंडियंस की मालकिन है नीता अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रशांत कुमार किस बैंक के MD एंड CEO बने हैं? तो वो बने हैं यस बैंक के। यहां बात हुई यस बैंक की, तो यस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में। यस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे है? मुंबई में। और वो वर्तमान में MD एंड CEO कौन बने हैं? वो बने हैं प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ाया है? 4%। यानी अभी तक DA था वो 17% था और जो अब बढ़ाकर 21% हो गया है। ये 1 जनवरी 2020 से लागू हो गया है। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ 65
पेंशन भोगी भी इससे लाभान्वित होंगे। यानी पहले 17% डीए था, जो 4% बढ़ाकर 21% हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स परिषद ने किस देश पर 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो वो लगाया है रूस पर। तो यहाँ बात हुई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को है, और रूस की जो करेंसी है वो है रशियन रूबेल, और रूस के जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो है व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में सरकार ने किसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है? तो वो चुना है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को। यानी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुन लिया है। ठीक है, आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अमिताभ बच्चन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर बताना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करो, और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। कॉम्पिटिशन एग्जाम जीके ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। किस